सॉल्व हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर हाउस का जो रेजलिक्स उसका नाम है, इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसके अंदर हम फुली कस्टमाइज कर सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन के अंदर, मल्टीपल सिटीज के अंदर हो सकती है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हो सकती है, उसको वहीं से जो है ना मैनेज कर सकते हैं। और उसके अंदर बहुत अच्छी रिपोर्टिंग जो है वो हमने ऐड की है और डिफरेंट फीचर्स हैं और इसको इनहेंस भी किया जा सकता है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये स्टार्ट यहाँ से होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई लॉग इन आपको बनाना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन पेज भी फुली कस्टमाइजेबल है जिसको हम जो है ना आपके रिक्वायरमेंट के लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन फिर लॉग इन है, तो लॉग इन के अंदर जैसे हम यहाँ एडमिन से जो है तो यहाँ लॉग इन करते हैं और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अपने स्टॉक को किस तरीके से हम जो है मैनेज कर सकते हैं। तो एडमिन, और इसका हमने पासवर्ड जो है ना वो एडमिन ही रखा हुआ फिलहाल, और तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, इन्वेंटरी सिस्टम में जैसे आइटम्स हैं, परचेजेस हैं, वेंडर्स हैं, सेल्स हैं, कस्टमर्स हैं, सर्च हैं। तो सबसे पहले हम सर्च आपको दिखाते हैं जिससे हम आपको कुछ आइडिया हो जाए। जैसे ये हमारे पास ये डिफरेंट आइटम्स हैं ना वो हमने ऐड किए हुए और ये इनकी इमेजेस भी आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप इसमें इसमें पर्स बैग है, स्कूल बैग है, ऑफिस बैग है, लेदर बैग है, तो ये आपकी अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड होगी, उसको हम आपके लिहाज से उसको कस्टमाइज करेंगे। इस तरह से जो कस्टमर्स आते हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड की जाती है, तो वो भी आपको नजर आ रही है। इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको सर्च करनी हो, जो उसके अंदर कोई भी कॉलम हो, वो आप यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे आप जो है यहाँ पर बिल गेट्स सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपको आप किसी का नंबर पता है वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, यानी जस्ट टाइपिंग के ऊपर जो है वो आपको सर्चिंग जो है ना वो दिखा रहा होगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है ना वो देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, उसके जैसे पिजिनेशन वगैरह सारे इसके अंदर अप्लाई हुआ हुआ है। फिर इस तरह से जैसे सेल की इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारे यहाँ पर कस्टमर का नेम भी आ रहा है, इसने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है, इसकी सेल डेट क्या थी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी। फिर परचेजेस की इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, तो यहाँ पर कम्प्लीट परचेजेस यानी जहाँ जहाँ से हमने सामान खरीदा था उसका कम्प्लीट हमारे पास रिकॉर्ड्स जो है ना, और फिर हम उसको डेट वाइज, आइटम वाइज हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है जो आपको जिस तरीके से रिक्वायर्ड है ये उस तरीके से बना हुआ। तो वेंडर्स की इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनको आप जो है ना यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिस्टम जो है ना वो रन किस तरीके से करेगा, तो ये जो रन करेगा तो सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पर फीड करेंगे। ऑडिट के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ भी जो आइटम नंबर है तो यहाँ पर फीड कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर A102 जो है ना एक आइटम नंबर। तो ऑडिट आईडी जो होगी ना इसमें ऑटो जनरेटेड होगी, यानी जब आप उसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आईडी मिल जाएगी जो कि हमारे प्राइमरी की के तौर पर होगी। अब प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर चल रहा है, तो आप इसको देखते हैं जैसे माई व्यू बैग के नाम से। अब ये बाय डिफॉल्ट इसका स्टेटस अभी हमने एक्टिव रखा है, अगर ये इन फ्यूचर में कभी ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाती है तो हम इसको इनएक्टिव। फिर इसी तरह इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर देते हैं, इट इज ब्यूटीफुल, फिर यहाँ पर इसका डिस्काउंट है, अगर कोई डिस्काउंट इसको ऑफर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दे देंगे। इसकी क्वांटिटी है, जैसे क्वांटिटी जो होगी ना ये ऑटोमेटिकली मैनेज होगी, इनिशियल जैसे क्वांटिटी हमने 78 रख दी, अब जैसे जैसे हम इसके अंदर परचेज करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी और सेल करेंगे तो क्वांटिटी कम होगी। ये बेसिकली स्टॉक मैनेजमेंट है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसको कहते हैं, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से। इसका यूनिट प्राइस जो है ना वो हमने लेट सपोज इसको $150 और इसको एड एड आइटम, जैसे एड आइटम करेंगे तो ये आपके पास देखें इसकी आईडी जो है ना वो यहाँ पर जनरेट होगी। अब इसकी कोई इमेज भी हम अपलोड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे A102 की इमेज हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं, A102 हमने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली इसका नेम जो है ना वो यहाँ पर आ गया। इसमें जेपैक की, जेपी, जेकी, जिफ की कोई भी इमेज जो है ना आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम गए और यहाँ से हमने इमेज जो है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड इमेज करेंगे तो ये आपके पास इमेज आ रहा है। अब ये आइटम जो है ना वो इस वक्त हमारे ऐड हो गया। अब इसमें लेट सपोज हमने किसी सप्लायर से कुछ सामान जो है ना वो तो हम परचेजेस के ऊपर गए, तो परचेजेस में गए हम यहाँ से हमने जाके A102 आइटम जो है वो सिलेक्ट किया, तो उसकी डेट देखें यहाँ पर आ रही है, न्यू बैग ऑटोमेटिकली क्या आ गया 78, ये वो क्वांटिटी जो इनिशियली हमने डाली थी।
किस वेंडर से हम खरीद रहे हैं, यहाँ पर नया वेंडर भी हम ऐड कर सकते हैं, उसका नाम हमने यहाँ लिख दिया, इस पर कितनी क्वांटिटी उससे खरीद रहे हैं वो हमने लेट सपोज कर दी। करंट स्टॉक है मेरे पास 78 का, अब मैंने इसमें 10 आइटम मजीद ऐड कर और इसका यूनिट प्राइस जिससे हमने खरीदा है उसको मैंने $102 के अंदर से खरीद एड परचेज करेंगे। तो जैसे ही हम इसको करेंगे ना तो ये आपको देखिए इसका आपका स्टॉक जो है ना वो भी अपडेट हो जाएगा। देख रहे हैं करंट स्टॉक जो है वो आपके पास 88 हो गया, पहले 78 था अब 88 हो गया, तो ये परचेजेस के अंदर इस तरीके से मैनेज कर रहा होगा। अब इसी तरीके से अगर हम A102 है जैसे ये हमारे पास चल रहा है और इसके अंदर जाके हम इस आइटम को सेल कर देते हैं, तो जैसे हम इस आइटम को सेल करेंगे तो उतनी क्वांटिटी जो है ना वो हमारे पास माइनस हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर गए A102 हमने यहाँ पे लिखा और इसके अंदर हमने जो कस्टमर आईडी है लेट्स सपोज वो हमने कोई भी दे दी, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास 14 है कस्टमर स्टीव जॉब हमारे पास कस्टमर है, तो ये आगे सेल आईडी ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट होगी। ये आपको दिखा रहा है कि न्यू बैग खरीदना चाह रहा है, करंट स्टॉक आपके पास दिखा रहा है कि 88 का है, डिस्काउंट इस पे 5% चल रहा है, क्वांटिटी जो ये खरीदना चाह रहा है लेट्स सपोज मैंने इसमें कर दी 5, मैंने कर दी 3, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी 85 इस वक्त बन जाएगी। और अब हम इसको जो है ना जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको टोटल कॉस्ट दिखा रहा है, यानी जैसे इसने 5 3 को जो है आपकी क्वांटिटी है उसको आपने यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आपके पास $3। अब आपने जैसे इसको एड सेल करेंगे तो जो हमारे स्टॉक के आइटम थे वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। जैसे एड सेल किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने रह गए 85 रह गए, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली ये मैनेज हो रहा था। बेसिक जो पर्पज है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का वो ये इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसके अंदर हम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स के अंदर देखिए सारा हमारे पास इसी तरीके से आ रहा है, कस्टमर भी की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे अभी स्टीव जॉब को सर्च किया था वो भी आपके पास आ गया। फिर इसी तरीके से अगर अगर आप इसकी रिपोर्टिंग की बात करें तो पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप इसको इजिली गैट कर सकते हैं, जैसे ये पीडीएफ के अंदर आपके पास रिपोर्टिंग आ गई है। इसकी सेल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप किसी भी डेट की अगर आपको उठानी है तो आप यहाँ पर डेट दे देंगे, और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100% कस्टमाइजेबल, आप जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से उसको हम बना देंगे। और उसके लिए जैसे पीडीएफ फॉर्म के अंदर हम जाएंगे तो पीडीएफ की रिपोर्ट दिखा रहा है कि इस वक्त जो हमारे पास सेफ जो है रिपोर्ट किस तरीके से आ रही है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने परचेजेस की थी, अब इस डेट के दरम्यान जैसे हमारे पास ये जो डेट आ रही है इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज इसको हमने 2018 की डेट चल रही है जाके मैंने चेंज कर दिया कि हमारे पास जो है 2023 के अंदर डेट है लेट सपोज 2023, अंदर अभी हम बात कर रहे हैं जून 2023 के अंदर ये हमारे पास। फिर इसके अंदर इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इसको भी अपडेट कर रहे हैं, तो ये भी हमने डेट सेलेक्ट की इसके अंदर से 2023 ये जो डेट है जुलाई तक के हमने स्टॉक मैनेज देखिए तरीके से होगी। रिपोर्ट मैंने कह दिया होगा डिटेल अभी, अब प्लस आप इसके अंदर जो भी जरा इस तरह से रिपोर्ट हमारा देख सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है और इसको फर्दर ये है कि आप मजीद इनहेंस करवा सकते हैं और इसके अंदर जो चेंजिंग्स करवा सकते हैं और इसकी डिप्लॉयमेंट भी हम आपको करके देंगे और इसकी जो है तमाम चीजें अगर आप ये चाहेंगे कि हम खुद ही इसको हैंडल करें आप स्टॉक को आपके इसके अलावा जो है ना वो हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसी के हमने बना के रखे हुए, जिसमें ई कॉमर्स का सिस्टम है, प्रॉपर्टी इंसाइट सिस्टम है, रेजलेक्स है, हॉस्पिटल का सिस्टम है, का सिस्टम है, सारे हमारे पास इसी तरीके से बने हुए और इसका भी हम आपको डेमो दे सकते हैं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर इसमें कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और उसको फिर हम